आप ही उनके पिताजी हैं? अरे कैसे हो गया? हम नहीं थे ओ सारा, हम तो काम अकेला बेटा है। अगर यही चीज किसी बड़े बिल्डिंग वाले बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े अधिकारियों के घर पर अगर इस तरह का कुछ हुआ होता तो तुरंत बड़ी पुलिस आ जाती, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती, लेकिन चूंकि ये झोपड़ी वाले लोग हैं और इनके घर के लोग को मृत्यु हुआ है तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। मैं हूँ सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। अभी हम लोग बांका के अमरपुर क्षेत्र में है और अमरपुर का यह कौन सा गांव भैया? महमूदपुर, महमदपुर, महमदपुर के 14 नंबर वार्ड में हम लोग हैं और पासवान टोला में। अभी यहां पर एक बड़ी घटना घटी है कि एक व्यक्ति को करंट लग गया है, करंट से उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बहुत सारे ग्रामीण भीड़ लगा के खड़े हुए थे तो हम लोगों ने इनसे जानकारी लिया। क्या हुआ था सर, पूरी बात बताएं। बात ये था कि यहाँ शादी 7/12/22 को था और लड़की का शादी था यहाँ पे और पंकज पासवान की लड़की है। पंकज पासवान बाज़ार चला गया था सौदा खरीदने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार हाट का दिन था। यहाँ पे टेंट वाला अपना सामान रख के गया था, कोई भी लड़का आया और उसने जो है तार लगा के बिजली में बजाने लगा। तब तक तो ठीक ही था, धान का बोझा आया था पीछे से और उसने बोला भाई तार में अटक गया इसको उठा दो। उस लड़के ने देखा नहीं कि ये लीकेज तार है, उसको उंगली से उठाया और दोनों उंगली सट गया, इसी कारण वो जो है बिजली लगा और गिर गया और डेथ हुआ। डेथ होने के बाद लड़का लोग जो है उसे उठा करके अमरपुर हुआ। इसकी पुष्टि कौन किया? ले गया यहाँ से तो हॉस्पिटल गया, बोला कि ले जाओ जल्दी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब दिखाया, कौन सा हॉस्पिटल? अमरपुर हॉस्पिटल, रेफर हॉस्पिटल जो अमरपुर में है, वहाँ हॉस्पिटल, हाँ सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये डेथ हो गया। कौन से डॉक्टर ने कहा? अब नाम तो नहीं बता सकते, जो प्रेजेंट में हो गए थे वहाँ पे। हम लोग गए थे, कौन डॉक्टर? सकल से पहचान हूँ आपका, पंकज पासवान। तो क्या वहाँ पे क्या बातचीत हुई? वहाँ उसने नाम लिखा लड़के का और वो जो चिट्ठा बनवाता है वो चिट्ठा बनवाया, सारा चीज़ हो गया। इसके बाद दो तीन आदमी था, दो चार आदमी भी उसको, मगर यहाँ पर उसको दबा रहा था, ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने दो मिनट के बाद या पाँच मिनट के बाद बोला कि ये डेट हो गया, इसको ले जाओ यहाँ से। उन्होंने फिर अपने से मोबाइल दिए, एम्बुलेंस मंगा दिया और लोड करवा के वहाँ से भेज दिया। उसके बाद? उसके बाद यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद रोने धोने लगा सब आदमी, छौरा उवरा घसने लगा। फिर कुछ आदमी बोला कि नहीं इसको अभी जिंदा आई है, इसको हुकूकी आ रहा है, इसको गाड़ी पे ला दो और फिर ले चलो। कौन बोला हुआ? मतलब कौन देखे थे आप लोग हुकूकी? देखे उतना उतना भीड़ में देखे आप लोग? हाँ हम लोग देखे जरा सा, लेकिन वो जिंदा नहीं था, बाय होता है ना वो ऐसे, हाँ बाय चांस ऐसे हुआ तो फिर ले गया, फिर मृत्यु घोषित कर दिया। मेरा हुआ था ही, फिर हॉस्पिटल ले गया, फिर डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। तो देखिए ये घटना से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण, आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पे इकट्ठा है और इनका कहना है कि एक बार जब ये डॉक्टर के पास ले गए वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया और वापस आने के बाद फिर इन लोगों को लगा कि नहीं कुछ शायद इनमें जान बचा हुआ है तो फिर दोबारा ले जाने के बाद भी मृत घोषित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह गाँव जो है वार्ड नंबर 14 में, जो वार्ड नंबर 14 है महमदपुर का, और इसमें देखिए कि बिजली का जो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन, ये देखिए ये एक तार आया हुआ है, ये कवर्ड तार है ना, ये पूरी तरह से कवर्ड तार है। उसको ऊपर दिखाइए, कैमरा पर्सन से आग्रह करते हैं ऊपर दिखाइए, ये पूरा कवर्ड तार है। लेकिन फिर कैसे इस कवर्ड तार के माध्यम से बिजली लोग लेते हैं और इस प्रकार लेते हैं कि वो असुरक्षित हो जाता है और इतना ज़्यादा असुरक्षित हो जाता है कि लोग की जान भी जा सकती है, जान चली गई एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की जान चली गई इस बिजली के कारण। तो आप अब एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये ओपन तार है और ये ज़मीन से कितना ऊपर है। इस चीज़ को देखिए, ये कितना डरावना और कितना डेंजरस है, आप कितना डेंजरस है। हम उस स्पॉट पर भी आपको ये देखिए, ये कितना नीचे से ये तार जा रहा है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं वो देखिए कितने, यहाँ का जो लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कब क्या हो जाएगा। 11,000 वोल्ट है, देखिए क्या है ये, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट वहाँ से आ रहा है, पोल देखिए और इधर देखिए, कैसे लोग यहाँ काम करेगा, कैसे धान का बोझा लाएगा, कैसे खेत खलिहान में काम करेगा पब्लिक यहाँ बिजली। अच्छा अभी तक यहाँ पे कौन कौन अधिकारी आए हैं? कोई अधिकारी आए हैं? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, कोई पुलिस के अधिकारी या कोई बिजली विभाग के अधिकारी कोई नहीं सर आया है।
कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, पुलिस क्या करेगा इसमें। लड़के बाप का तो गलती है नहीं, वो मार्केट करने गया था। अब लड़का, अभी हम आपको स्पॉट पे ले चलते हैं जहाँ पे उस व्यक्ति की मृत्यु है, वहाँ ले चलते हैं आपको। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिजली के करंट लगने से। हम बांका के अमरपुर गांव, अमरपुर का मोहम्मदपुर गांव है, वार्ड नंबर 14 है ये, और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आप देखिए कि कितने लोगों का हुजूम है, कितने लोग इस साइड भी हैं, उस साइड भी पूरे ग्रामीण लोग दुखित हैं। अब मैं बताते चलूं कि यहां पर गलती किसकी है आखिर। हमने अभी फ़ोन के माध्यम से बात किया जेई साहब से, जो यहां के जेई साहब हैं, उनका कहना है वो ऑफिस में बैठकर ये बता दिए कि ये जो मृत्यु हुई है करंट लगने से, वो उनके खुद के गलती के वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे कई कर्मचारी और अधिकारी गए थे स्पॉट पर ये पता करने के लिए कि किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई है। मतलब उनके जो अधिकारी हैं वो पता करके चले गए, बता दिए और वो मान लिए। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं आया है। क्या सही है? बिजली विभाग का कोई अधिकारी पदाधिकारी आया है? कोई नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, पुलिस के कोई पदाधिकारी यहाँ आए हैं? नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जब इनको करंट लगा तो डॉक्टर के पास ले गया गया, सरकारी हॉस्पिटल जो है अमरपुर वहाँ ले गया गया, और वहाँ से मृत घोषित करने के बाद फिर इन्हें वापस ले आया गया। बीच की कोई भी प्रक्रिया, थाना को सूचना, एफआईआर जैसी कोई भी चीज़ें, मतलब नियमों को ताक पर रख कर यह पूरी तरह से अमरपुर में ये काम हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि जनता चाहती है, जो गांव की जनता है चाह रही है कि नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो हो। अगर इसमें किसी अधिकारी, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी गलती है, कर्मचारी है, उनकी गलती है, तो उनको सज़ा मिले, और साथ साथ बिजली विभाग के गलती के कारण अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो इसको मुआवजा भी मिले। इस लोग इसलिए ये ग्रामीण इकट्ठा है, और ये बांका के जो डीएम साहब अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो उनसे भी ये गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये जो मृत व्यक्ति है और इसके परिवार हैं, इनके जो आश्रित हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए सर, सही बात बोले। हाँ मिलना चाहिए। तो देखिए गांव वालों के एक ही पुकार, ये देखिए इनकी माताएं बहनें हैं, ये इनका ये घर है, मतलब घर भी दिखाएंगे, यही घर है ना? आप ही उनके पिताजी हैं? अरे कैसे हो गया? हां मैं सही थे ओ सारा, मैं तो काम अकेला बेटा है, एक अकेला बेटा है, ये बेटा है। हां ये कौन कौन है, कौन कौन है फैमिली में? यही एक घर है। देखिए ये इनके पिताजी हैं रोते हुए, और आप ये झोपड़ी देख रखते हैं कि ये कितने गरीब फैमिली से हैं, और शायद यही इनकी यही इसी वजह से, अगर यही चीज किसी बड़े बिल्डिंग वाले, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े अधिकारियों के घर पर अगर इस तरह का कुछ हुआ होता तो तुरंत बड़ी पुलिस आ जाती, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती। लेकिन चूंकि ये झोपड़ी वाले लोग हैं और इनके घर के लोग को मृत्यु हुआ है, तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, और कोई भी लोग, कोई बड़े अधिकारी फोन तक नहीं उठा पा रहे हैं हमारा। तो हम अभी आगे जाके कार्रवाई करेंगे। ये थाने की गाड़ी है क्या? नहीं सर, नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। हम आगे यहाँ के जो थाना इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे, जो सिविल सर्जन को हम लोग लगातार फोन कर रहे हैं बांका के, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम लगातार और भी अधिकारियों से बात करके हम लोग अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। देखिए अंदर क्या माहौल है, क्या पूरे पूरी तरह से जो माहौल गमगीन है, लोग परेशान हैं, और हर कोई की आंखें नम है पूरे गांव में, और सब कोई का यही चाहता है कि जो मृत व्यक्ति है, जो इसके आश्रित है, उनको मुआवजा मिले। हम इसके लिए आगे के अधिकारियों से बात करेंगे, बांका के जो डीएम साहब हैं उनसे भी हम बात करके आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जेई साहब से बात हो रही है? जी सागर कुमार बात कर रहे हैं सर, केवल सच न्यूज से। ये मोहम्मदपुर गाँव में घटना हुई है बिजली के करंट लगने से, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, उनके घर के उनके तार से हुआ है, बिजली के तार से नहीं हुआ है। कोई भी तार से हुआ है तो बिजली के करंट से ही उसकी मृत्यु हुई है ना? आपके घर में आप कर रहे थे, उनका होम एम्प्लायंस में काम कर रहा था, उनके कारण उनका शादी का जो माहौल था वहाँ पे। हाँ 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 शादी में ही कुछ काम कर रहे थे, बिजली का उनके द्वारा हुआ है, बिजली के तार द्वारा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, तो इसकी पुष्टि क्या आपके अधिकारियों ने या आपका कोई कर्मचारी यहाँ पे स्पॉट पे आया था, इसका जांच किया है? हाँ मेरे कर्मचारी गए और जांच भी कर लिए हैं।
कि बिजली के 440-11,000 के तार से नहीं हुई घटना। यहाँ पर पूरा यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, मैं वहीं पर हूँ, एक मिनट पब्लिक से मैं, आप लोग बताइए कोई आया है बिजली विभाग से? कोई आया? कोई भी नहीं है बिजली की तरफ से। पूरे हुजूम है लोगों का और लोग कह रहे हैं कि एक भी बिजली विभाग के कोई अधिकारी नहीं आए। कोई आया अभी यहाँ पे? कोई नहीं आया। ये जूनियर इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं आया है सर यहाँ पे पुष्टि करने के लिए या देखने के लिए, क्या बताएंगे आप? ठीक, तब तक के लिए देखते रहिए केवल सच न्यूज, कैमरा पर्सन अफसर आलम जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज बांका।